एनर्जी इज़ अ सोर्स दैट इज़ नॉट ओनली सस्टेनेबल का मतलब है सूटेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन, इट इज़ डेफिनेटली रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब है तवानाई का ऐसा जरिया, एनर्जी का ऐसा सोर्स, तवानाई का ऐसा जरिया जिसे दोबारा पैदा किया जा सके एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ बींग रीन्यूड At least until the sun runs out in millions of years. A little maintenance is required for solar panels. Solar panels are silently produce electricity and after installation and optimization do not require any type of mechanical parts that can fail. Obviously, solar energy cannot be created during the night and the power generated is also reduced during the times of clouds over. अब्रॉड में अगर हम देखें तो उसमें जो अमेरिका वगैरह यहाँ पे बाहर गांव वाली साइड पे बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव अ डायग्राम। एक सोलर पैनल है और एक सनलाइट आ रही है, नेगेटिव सिलिकॉन की लेयर है, फिर इलेक्ट्रिकल डायोड भी है बीच में और उसके नीचे पॉजिटिव सिलिकॉन की लेयर है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायोड है बीच में, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, अब यहाँ पे एक्सचेंज होती है, ये चार्जेस एक्सचेंज होते हैं और यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी करंट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी कंजप्शन होती है। नेक्स्ट वी हैव वाटर डिराइव्ड। द मोस्ट प्रोमिसिंग पावर जनरेशन करंट टेक्नोलॉजी इज़ वाटर डिराइव्ड। दिस इंक्लूड हाइड्रो पावर, टाइडल पावर एंड वेव पावर। टाइड्स आर द राइज एंड फॉल इन द सी लेवल प्रोड्यूस्ड बाई द पुल ऑफ द मून। जब चौदहवीं होती है, चौदहवीं की रात होती है, तब समुद्र में लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। अराउंड द कोस्ट ऑफ आयरलैंड द सी लेवल राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस डेली। Tidal energy can be used to generate electricity. The tidal energy can be harnessed by building barrages or dams. ये भी barrages जो हैं ये dams की तरह होते हैं बड़े बड़े। These are only there are only 40 sites around the world of which are most useful for tidal power generation with overall potential of 3000 gigawatts. इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो टाइड की होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, टरबाइन जब टर्न करता है। द टाइड राइज एंड फॉल डेली एंड इट टेक्स 12.5 आवर्स टू कंप्लीट टाइडल साइकिल। डैम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बैराजेस कैन बी बिल्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ द नेचुरल टाइड, मतलब ये पानी के पास इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अक्रॉस द माउथ ऑफ नेचुरल टाइडल बेसिन्स विद स्लुइस गेट्स। स्लुइस गेट्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं स्लाइडिंग गेट और अदर डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर इज अलाउड टू एंटर एंड राइज ऑन वन साइड ऑफ द स्लुइस अंटिल इनफ ऑफ अ हाइड्रोलिक हेड इज बिल्ड अप टू पावर अ टर्बाइन। द टाइडल टर्बाइन आर डिज़ाइन टू वर्क इन बोथ क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी, के मैक्सिमम एनर्जी जो है वो टाइड से आ सके। टाइडल सिस्टम विद स्मॉलर ब्लेड्स कैन जनरेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज विंड माइल्स ऑफ लार्ज साइज कैन हार्नेस। सो द टाइडल पावर इज़ फार लेस इंट्रूसिव एज विंड। Tidal power is more reliable and predictable than wind. Its only drawback is that it affects ecology of marine organism. Geothermal energy, ये energy जो होती used for heating and cooling purposes, underground water से, stream से और earth से ये energy हम use कर सकते हैं, ले सकते हैं। Geo का मतलब है thermal, relating to using, producing or causing by heat. Geothermal energy is the heat originating from the original formation of the planet, from the radioactive decay of minerals, volcanic activity and from solar energy absorbed at the surface. Geothermal gradient? Geothermal gradient is the difference in temperature between the surface of the planet and its core. जो planet का और core का, earth के नीचे जो core है उसका जो difference होता है हम उसे कहते हैं geothermal gradient. This drives a continuous conduction of thermal energy in the form of heat from the core to the surface. Geothermal power is
environmentally friendly, reliable, sustainable and cost effective. In general, the temperature rises 1 degree Celsius for every 36 meters you go down, and maximum temperature is around 4000 to 6000 degrees Celsius at center of the earth. Radioactive nuclei with long half-life embedded within earth provide almost 70% of geothermal energy, and the remaining energy comes from the residual heat left over from the earth's formation. Hot spring, mud pots and geysers result from the geothermal activity. Hot spring hydrothermal spring is a spring produced by the emergence of geothermal heated underground water that arises from the earth's crust. मड पॉट्स भी जो है ये होते हैं एसिडिक हॉट स्प्रिंग होते हैं. ये हमारे पास सारी जियोथर्मल की एग्जांपल्स हैं. गीजर इज़ अ टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग दैट इरप्ट्स पीरियोडिकली इजेक्टिंग अ कॉलम ऑफ हॉट वाटर एंड स्ट्रीम टू एयर. ये इसकी मुझे एक डायग्राम है. ये अंडर वाटर अंडरग्राउंड ये प्रोसेस सारा प्रोडक्शन वेल है, इंजेक्शन वेल है, टर्बाइन लगे नीचे से. हॉट वाटर प्रेशर हॉट हाई प्रेशर वाटर इज पम्प फ्रॉम द डीप अंडर ग्राउंड थ्रू अ वेल. व्हेन द वाटर रीचेस द सरफेस द प्रेशर ड्रॉप्स कॉजिंग द वाटर टू टर्न इनटू स्टीम एंड द स्टीम स्पिन्स अ टर्बाइन व्हिच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. The cold water is pumped back into the earth to begin the process again, and the steam cools off in a cooling water tower and condenses back to water. Next is biofuel. What is biofuel? A biofuel is a type of fuel whose energy is derived from the biological carbon fixation. Biofuels are becoming popular due to their sustainability and the reduction of greenhouse gas emission and regional development. Bioethanol and biodiesel are two most common biofuels. Jo bioethanol hai ye prepare kiya jata hai by using sugarcane se starch aur lignocellulosic biomass se. Bioethanol can be used in place of petrol. Biodiesel is a fuel equivalent of petrol diesel with the exception of its derivation from the biological sources. Biodiesel is obtained by transesterification of fats and oil. What is transesterification? It is the process of exchanging the organic group of an ester with the organic group of alcohol. It is non-toxic, renewable and can be produced from the plants and animals. Biodiesel major source includes soybean, canola, palm, rapeseed, cotton seed, sunflower and peanut. Waste recycled cooking grease can also be used to make biodiesel.